हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ लोटे फिश करी। बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगा। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। और देख सकते हैं मैंने लोटे फिश को इस तरह से पीस पीस करके काट लिया है। और उसमें मैं कच्चा में ही नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, जो जो मसाला होते हैं वो एक साथ ही मिक्स कर लूँगी। तो चलिए मैं मिक्स कर लेती हूँ। और बहुत ही टेस्टी लगती है ये फिश। और इस तरह से ही बना के आप लोग खाइएगा। तो यहाँ मैं मसाले में दे रही हूँ अनियन और ग्रीन चिली का पेस्ट और लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा कच्चा मस्टर्ड ऑयल, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से मिक्स कर लूँगी क्योंकि ये बहुत ही नरम फिश होते हैं और इसे फ्राई करने से इसका जो टेस्ट है वो चला जाता है। तो इसलिए इस तरह से ही बना के आप लोग खाइएगा तो आप लोगों को बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और जो सूखे फिश होते हैं इसका, जो सूखे फिश ड्राई फिश होते हैं इसका, उसी का ही ये कच्चा है। और अब मैं कढ़ाई में ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। और तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें फ़ौरन में दे दूँगी कलौंजी। और इस तरह से चारों ओर थोड़ा सा तेल को मिक्स कर लीजिए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी और साथ में मैंने थोड़ा सा टमाटर भी ऐड किया है। तो चलिए मैं डाल देती हूँ। और बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। थोड़ा सा पानी दे दूंगी, देकर इसे ढक ढक कर पकाना है। और जब तक अच्छी तरह से पानी सूख ना जाए तब तक हमें पकाना है। और थोड़ा सा ड्राई ड्राई ही करना है तभी अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसे अभी ढक देती हूँ। और देख सकते हैं ढक्कन खोलने के बाद कितना सारा पानी निकला है। तो और देखिए फिश पक भी चुका है, लेकिन जब तक पानी सूखना जाए तब तक हमें अच्छी तरह से पका लेना है। तो हाई फ्लेम में ही रखिएगा, नहीं तो बहुत ये नरम फिश होते हैं तो गल जाएगा। तो इसलिए हमें हाई फ्लेम में ही इसे पकाना है। तो चलिए पानी जब तक सूख ना जाए तब तक पका लेती हूँ। और मेरे साथ आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और ये देखिए ये रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इस तरह सा
ड्राई ड्राई होने से ही टेस्ट ज़्यादा आता है, लेकिन मेरा तो फिश थोड़ा सा टूट भी चुका है। तो आप लोग चाहे तो नॉन स्टिकर पैन में भी ये बना सकते हैं, नॉन स्टिकर पैन में बहुत ही अच्छी बनती है। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये देखिए नॉन स्टिकर पैन में बहुत अच्छी तरह से बनती है। तो ऊपर मैं लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करूँगी और इस तरह से सर्व करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।